इसमें कोई शक नहीं है कि आराध्या बच्चन अपने दादा और दादी को बेपनाह मोहब्बत करती हैं। अपने दादा दादी पर जान छिड़कती हैं नन्ही आराध्या। 12 साल की आराध्या बच्चन को कभी भी अपने पूरे परिवार से अलग रहना पसंद नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये सच है कि आराध्या बच्चन को अपने माता पिता और दादा दादी के साथ ज़्यादा समय साथ गुजारने का वक्त नहीं मिलता। ज़्यादातर वो स्कूल में रहती हैं और फिर अपने क्लासेस करती हैं, अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहती हैं और फिर इवेंट फंक्शंस में वो नज़र आती हैं। माँ के साथ अक्सर उनके काम पर आराध्या उन्हें एकम्पनी करती है। लेकिन एक सच जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि वत्सा में रहने की वजह से जलसा से दूर होकर आराध्या ना सिर्फ अमिताभ जया से दूर हुई बल्कि पूरे परिवार की एकता क्या होती है उसे वो मिस करने लगी है। आराध्या अब स्कूल छोड़कर जाने वाली है फॉरेन स्टडीज़ के लिए। ऐसे में हम आपको बता दें कितना वो मानती है अपने दादा और दादी को। कोरोना काल में अपने दादू अमिताभ को हॉस्पिटल में बीमार पड़े देखकर उनकी आंखों में आने वाले आंसू को देखकर आराध्या बच्चन काफ़ी भावुक हुई। तो उन्होंने कहा था आप फौरन ठीक होकर आएंगे, रोइए मत। और उन्होंने खुद से अपनी आंखों को हंसते हुए और अमिताभ की आंखों में आने वाले आंसू को रोका, उनके आंसू पोंछे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो ऐश्वर्या की आंखों के आंसू को पोंछ चुकी है स्माइल फाउंडेशन के मौके पर। वहीं जया बच्चन की बात करें तो जया बच्चन चाहे कितना भी गुस्सा में रहे, आराध्या उनके सामने होती है, उनका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। आराध्या की मुस्कान, आराध्या का व्यवहार, उनका संस्कार, परिवार की हर बात को सुनना, सोशली एक्टिव होने के साथ चीज़ों को सीरियस लेकर अपने आप पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें आराध्या की जया को पसंद आती हैं और जया की बातों को भी आराध्या नहीं टालती, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव सत्य की रिपोर्ट।